तो आइए दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में अवकलन बोलते हैं, तो आज हम लोग अवकलन से संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग सूत्र को देखेंगे और पूरे टाइप वन को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग अगले टाइप टू और टाइप थ्री को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टाइप वन को समझते हैं। डी बटा डी एक्स ऑफ सी, सी फोर होता है कॉन्स्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं बाबू? अचर बोलते। अचर क्या होता है? तो गिनती की संख्या, एक दो तीन चार, कोई भी अगर संख्या का अगर डीसी पूछे तो उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। अगर सौ का भी डीसी पूछे तो उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। अगला चलते हैं, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का जो डीसी होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एक। कितना हो जाएगा? एक। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। इसको याद करते हम लोग कि माथा वाला पावर को पटकना है, बेस को लिखना है और माथा पर पट्टी वन कम करना है। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ वन बटा एक्स बराबर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। डी बटा डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स बराबर एक बटा में टू रूट अंडर कौन सी? एक्स। क्या हो जाएगा? वन बटा टू रूट अंडर एक्स। डी बटा डी एक्स ऑफ वन बटा एक्स के पावर एन बराबर माइनस में एन बटा में एक्स के पावर एन प्लस वन। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स लॉग ए। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स। क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स। डी बटा डी एक्स ऑफ लॉग ए के पावर एक्स बराबर लटका के लिखना है एक्स को, मतलब वन बटा एक्स लॉग ई और बेस कितना? ए। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर, तो लटका का लिखना है वन बटा एक्स। क्या लिखना है? वन बटा एक्स। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ यू प्लस बी बराबर एक बार यू के साथ डी सी, तो डी यू बटा डी एक्स, एक बार बी के साथ डी सी, बीच में प्लस है तो प्लस होगा, डी बी बटा कौन सी? डी एक्स होगा। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ यू माइनस बी, तो एक बार यू के साथ डी सी, तो डी यू बटा डी एक्स, एक बार बी के साथ डी सी, बीच में माइनस है तो माइनस होगा, डी बी बटा डी एक्स। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ यू गुना भी बराबर, डी बटा डी एक्स ऑफ कौन सी? यू गुना बी बराबर, तो यू को बाहर करेंगे बी के साथ डी सी करेंगे तो डी बी बटा डी एक्स, प्लस भी को बाहर करेंगे तो यू के साथ डी सी, तो डी यू बटा कौन सी? डी एक्स। याद कैसे करेंगे? तो याद करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब और दो रोगी है, तो जो पहले रोगी जो आया था उसका इलाज करेंगे, तो डॉक्टर साहब यू को इलाज करते हैं, तो डॉक्टर साहब भी को इलाज करते हैं, तो यू को बाहर बैठाते हैं, तो यू बाहर बैठा, भी का इलाज किया तो डी बी बटा डी एक्स, अब भी को बोले कि बाहर बैठो, अब यू का इलाज करेंगे तो डी यू बटा कौन सी? डी एक्स। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ यू बटा भी बराबर यू को बाहर करेंगे भी के साथ डी सी करेंगे तो डी बी बटा डी एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, बट्टा रहेगा तो याद रखिएगा बट्टा तो कौन सी? बट्टा तो कौन सी? यहाँ पर माइनस। बट्टा तो कौन चीज हो जाएगा? माइनस। बट्टा तो माइनस, तो भी को बाहर करेंगे बीच में माइनस होगा, भी गुना डी यू बट्टा कौन सी? डी एक्स। बट्टा में कौन सी? भी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर। अगला है डी बटा डी एक्स ऑफ सी एक्स, तो कांस्टेंट को बाहर किए तो डी एक्स बटा डी एक्स, और डी एक्स बटा डी एक्स का वैल्यू कितना होता है? तो वन होता है, तो सी गुना वन कितना हो जाएगा? सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह टाइप वन आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। टू फॉर्मूला के तरफ और टाइप थ्री को भी देखेंगे। तो आइए, डिफरेंशिएशन का टाइप टू और टाइप थ्री फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग चलते हैं और पहला फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बटा डी एक्स ऑफ कौन सी? साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डी सी होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। डी बटा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अगला फॉर्मूला है डी बटा डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अगला फॉर्मूला है डी बटा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डी सी क्या हो जाएगा? तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बटा डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू कौन सी? टेन एक्स। डी बटा डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
अब देखिएगा कि कहाँ कहीं कहीं माइनस लागल है, क्या लागल है माइनस। तो याद रखिएगा जहां जहां सी वाला का जो डिफरेंशिएशन होगा, सी वाला के डिफरेंशिएशन, उसके डिफरेंशिएशन के पिछुत्ती में हम लोग क्या लगा देंगे, तो माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि जेकर जेकर सी वाला के जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसका जो डीसी होगा उसमें क्या लगा देंगे माइनस, पिछुत्ती में लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस। आगे देखिए अब डी बट्टा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर वन बट्टा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है डी बट्टा डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, यहां पर सी वाला है तो माइनस लगाएंगे, वन बट्टा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बट्टा डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर वन बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बट्टा डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स बराबर माइनस वन बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है डी बट्टा डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर वन बट्टा में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वन। बस इसका हम लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे, क्या करेंगे उल्टा, कॉस का उल्टा जो वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, बस इसको कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए डी बट्टा डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस वन बट्टा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां पर देखिएगा कि अंदर में रहता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर देना है वन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन के बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी क्लास ट्वेल्थ इस बार एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।